तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ए फोर कार एसेसरीज में। आज अपने पास लगी न्यू डिजायर जो कि बेस टू टॉप होता है ना काम, जो कि हम लोग करते हैं एल एक्स आई टू जेड एक्स आई वाला काम। ये अपने पास आई टूर जेड एक्स आई प्लस से भी प्लस का काम किया इसके अंदर। तो क्या काम किए हैं वो चलते गाड़ी के पास, सामने से मैं आपको सब कुछ लुक दिखाऊंगा, अंदर क्या काम हुआ है वो बताऊंगा, बैक साइड में काम क्या किए हैं वो दिखाऊंगा, साइड में क्या अपडेट है वो सब कुछ दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। वीडियो रहने वाली है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि ऐसी वीडियो मेरे ख्याल से मैं फर्स्ट टाइम लेके आ रहा हूँ अपने चैनल पे, और रहने वाला है एफोर का मत कहीं भी और जरा सा भी मिस मत करना, क्योंकि इस वीडियो में ऐसी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे ख्याल से मैं अपने चैनल पर फर्स्ट टाइम लेके आ रहा हूँ। तो ये कुछ आपको नया देखने को मिलेगा डिजायर के अंदर कि आप लोग करवा सकते हो, ये सब ऑप्शन अपने गाड़ी के अंदर रख सकते हो और ये सब काम करवा सकते हो। तो चलते पहले गाड़ी के पास और देखते क्या क्या काम हुआ है। पहले फ्रंट पोर्शन का मैं आपको बताऊं तो फ्रंट के हेडलाइट में हमने लगाया है यहाँ पे 130 वॉट, जो कि 2 साल की वारंटी के साथ आता है। इसका भी रिस्पॉन्स क्या निकल के आएगा वो भी दिखाऊंगा। उससे पहले नीचे की तरफ आता हूँ मैं। नीचे की तरफ अपने यहाँ पे DRL हम लोगों ने सेटअप किया है। सामने की पहले आपको लुक दिखाऊं तो सामने का कुछ ये लुक आता है, जो कि DRL के साथ अपनी ये आगे की प्रोजेक्टर लैंप यहाँ पे जल चुकी है, जो कि 130 वॉट इसमें भी है, 130 वॉट इसमें भी है। दोनों का रिस्पॉन्स आप देख लो, लाइटिंग कैसी लग रही है मुझे जरूर बताना। एक बार मैं 4x4 इंडिकेटर चालू करता हूँ, फ्रंट लुक जो अपने इंडिकेटर का निकल के आता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। रिस्पॉन्स देख लो, जो कि अपनी DRL की रिस्पॉन्स कैसी निकल के आ रही है नाइट टाइम में, जरा देख के बताना आप मुझे। और एक बार फॉग लाइट की रिस्पॉन्स पहले मैं आपको सामने की तरफ दिखा दूँ, इसका थ्रो कैसा निकल के आ रहा है सामने की तरफ। इसके थ्रो और रेजुलेशन आप देख लो सामने की तरफ, ये कुछ इसका रेजुलेशन निकल के आ रहा है। बाकी इसके हेड ऑन करते हैं, हेड के बाद देखते हैं इसकी हेड की रेजुलेशन यहाँ पे क्या निकल के आती है। इसकी हेडलाइट की ये रेजुलेशन है, जैसे कि आपको कुछ आइडिया यहाँ पे लग रहा हो, और डिपर निकल के आता है। DRL आपको कैसा लगा जरूर मुझे जरूर कमेंट में आप बताना, क्योंकि मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और प्रोजेक्टर आगे का लैंप है तो हाईवे पे कुछ ज़्यादा ही तेज़ रोशनी यहाँ पे निकाल के आपको दे देगा। बाकी चलते हम लोग साइड प्रोफाइल में, कि साइड प्रोफाइल में हम लोग ने क्या क्या किया है। साइड प्रोफाइल में आऊँ तो सबसे पहले आपको ये दिखाऊँ कि कंपनी के जेन्युइन यहाँ पे व्हील कवर यहाँ पे अपडेटेड है। उसके बाद यहाँ पे लोअर गार्निश अपडेट हो रहा है, क्योंकि अभी लोअर गार्निश का यहाँ पे काम चल रहा है, तो वो भी मैं आपको दिखा दूँगा। उससे पहले ये दिखाऊँ मैं आपको कि अपने साइड मिरर हम लोग ने यहाँ पे इंस्टॉल कर दिए, जो इसके अंदर हमने रिले भी इंस्टॉल किया है, जो कि ये देखो अनलॉक पे फोल्ड हो गया, अनलॉक पे अनफोल्ड हो गया। तो ये चीज़ की आपको जरूर बताना। उसके बाद हम लोग चलते हैं अपने साइड प्रोफाइल में। सबसे पहले ये दिखाऊं तो ये चीज़ तो कंपनी की खैर गलती है, कंपनी ने इधर डिजायर गाड़ी में साइड बिडिंग लगाई है स्विफ्ट की, तो ये भैया ने हमारे पास से नहीं लगवाए, कंपनी से भैया ने लगवा के आए हैं। और साइड प्रोफाइल जो गाड़ी का कुछ निकल के आ रहा है, साइड प्रोफाइल मैं आपको चेक करवा देता हूँ एक बार गाड़ी का कुछ साइड प्रोफाइल स्टेडियम में क्या किया है। उससे पहले मैं आपको दिखाऊँ इसके अंदर हम लोग ने इंस्टॉल किया RD के सेंटर लॉकिंग, की अपनी फ्लिप की बन के आ चुकी है। फिटिंग फिनिशिंग आपके सामने है और रिस्पॉन्स भी दिखा दूँ मैं एक बार, तो रिस्पॉन्स भी आपके सामने में बेटर है। उसका लॉक अनलॉक पे भी देख लेते हैं अपना क्या ये काम कर रहा है। अनलॉक हो चुकी है, वन क्लिक में लॉक भी हो रही है। फिर करते हैं इसको अनलॉक। उसके बाद आते हैं हम लोग अंदर की तरफ, तो अंदर आते हैं ये अपने इजीली ये चीज़ वर्क करता है, आपका इलेक्ट्रिक वाला स्टार्ट हो जाता है, जो कि दोनों साइड से लॉक हो गया। यहाँ से आप इसको अनलॉक करोगे तो ये अपने अनलॉक हो जाएंगे फिर से। फिर आपको दिखाऊँ मैं इसके अंदर आपको अपने मशीन की इसकी सेटअप करनी है, अपने मिरर की सेटिंग करनी है, तो इसलिए आप इसको भी सेट कर सकते हैं। उसके बाद दिखाऊँ आपको, सबसे पहले तो ये डोर पैनल आप देखो, डोर पैनल ZXI प्लस के यहाँ पे लगे हुए हैं। और उसके बाद जो इसकी रिस्पॉन्स कैसे निकल के आपको आ रही है, कैसा लगा कैसा नहीं लगा, आप अपना कमेंट में हमें अपना राय जरूर बताना एक बार कि आपको ये डोर पैनल्स कैसे लगे यहाँ पे, इसकी फिटमेंट कैसे लगी, इसका ऑटो मोड वगैरह सब कुछ यहाँ पे स्टार्ट है। पहले मैं आपको ये दिखा दूँ, पूरा वन क्लिक में अपने यहाँ पे डोर डाउन हो गए। यहाँ पे आपको दिखाऊँ, पहले से आपके फर्स्ट से ही ड्राइवर डोर से ही सब कुछ यहाँ पे कनेक्टिंग रहेगी, जो कि उस साइड की भी ये कनेक्ट हो रही है और इस साइड की भी ये अपने वर्किंग हो रहे हैं। उसके बाद दिखाऊँ मैं अंदर की तरफ आपको आगे, तो अंदर की तरफ हम लोग ने किया यहाँ पे फ्लोर मैट, जो कि फ्लोर मैट की भी फिटिंग फिनिशिंग आप देख लो, बेज कलर में भैया ने फ्लोर मैट करवाया है। यहाँ पे हम लोग ने लगा दिया 70 मैट, जो कि ग्रास के साथ ऊपर आता है, इजिली आप इसको साफ कर सकते हो, यहाँ से निकाल के धूल मिट्टी इसका झाड़ सकते हो, इसको किले कपड़े से साफ कर सकते हो। बेज का ही चॉइस था, भैया ने कुछ अपना इंटीरियर भी बेज के टाइप का ही रखा है। फिनिशिंग में देख के बताना कि आपको काम कैसा लगा, सारे मोड्स आपके यहाँ पे काम करते हैं, वर्किंग रहते हैं। यहाँ से आपको अगर अपना पोर्शन बदलना है तो यहाँ से आप बैक साइड और ट्रैक अपना चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका म्यूट का ऑप्शन हो जाता है, इससे आप गाना म्यूट कर सकते हैं और वन क्लिक से आप अपने गाने को अनलॉक भी कर सकते हैं। उसके बाद ये आपका मोड्स का ऑप्शन आता है, जिससे आप मोड चेंज कर सकते हो। क्रूज अभी आपको वर्किंग नहीं मिलती। हॉर्न का मैं साउंड सुना दूँ आपको, हॉर्न का कुछ ये साउंड आता है,
हब इसके अंदर हम लोग ने इंस्टॉल कर दिया जिससे ये प्रॉपर अपनी वर्किंग करेगी हमेशा। उसके बाद आते हैं हम लोग गाड़ी के अंदर आ चुके हैं। सबसे पहले तो आप फिनिशिंग देख लो स्टीयरिंग की, यहाँ पे आपको क्रोम में मिल जाता है जो कि टॉप एंड ब्रांड में। उसके बाद यहाँ पे आपको स्टीयरिंग हुआ हुआ रैप मिल जाता है। ये सारे कंट्रोल्स आपके यहाँ पे वर्किंग मिल जाते हैं। और ये अपनी जो ऑरेंज कलर की लाइट आती है ना इसकी पार्किंग ऑन होने के बाद, वो तो नेक्स्ट लेवल इसके अंदर लगता है। उसके बाद हम लोग ने यहाँ पे मीटर चेंज कर दिया, जो कि भैया की गाड़ी है सीएनजी वाली, तो सीएनजी वाली यहाँ पे मीटर हम लोग ने इंस्टॉल कर दिया, जो कि ऊपर आपको सीएनजी का यहाँ पे साइन भी दिख रहा होगा, पेट्रोल का फ्ल्यू का भी आपको साइन यहाँ पे दिख रहा होगा, बैटरी का भी आपको इसके अंदर साइन मिल जाएगा। और उसके बाद जाके आपके टाइमिंग वगैरह सब आप देख सकते हैं। हमारा कुछ स्पीडोमीटर की फिटमेंट है जो कि आप देख लो, किसी भाई को काम करवाना है तो ये चीज़ आप यहाँ पे काम करवा सकते हो हमारे पास ऐसा कुछ आके। उसके बाद जो हम लोग ने इसके अंदर इंस्टॉल किया, सबसे पहले तो मैं दिखाऊँ आपको डैशबोर्ड पट्टी, जो कि डैशबोर्ड पट्टी की आप फिटिंग फिनिशिंग देख लो आप। इसके पैनल्स पहले आपको कैसे लगे मुझे जरूर बताना, क्योंकि बेस मॉडल में आपको ये प्रोवाइड नहीं करती कंपनी, तो ये चीज़ हम लोग इसके अंदर बेस्ट फीचर डाल देते हैं। उसके बाद आपको दिखाऊँ मैं, यहाँ पे हम लोग ने इसके इनर हैंडल भी चेंज कर दिए, जो कि कंपनी यहाँ पे स्टॉक देती है अपने बेज कलर में, तो इनर हैंडल भी हमने क्रोम वाले लगा दिए। इसकी फिटिंग फिनिशिंग बहुत ज़्यादा बेहतरीन सी रहती है। यहाँ पे आपको सीएनजी से आपको अगर पेट्रोल में शिफ्ट करना है तो उसके लिए यहाँ पे आपको बटन दे रखा है स्वैप का, वो आप कर सकते हो। इसके बाद हमने मीटर के साथ इसका फ्रेम भी चेंज कर दिया, जो कि फ्रेम की भी फिटमेंट आप देख लो 0-0 रहने वाली है यहाँ पे। उसके बाद जो हम लोग ने इसके अंदर काम किया, सबसे पहले मैं आपको दिखाऊँ स्टूडियो का। स्टूडियो आप देख लो यहाँ पे, इसके अंदर हम लोग स्टूडियो लगाया अपना एप्पल कारप्ले 464, जो कि अपनी मेगा सोनिक का रहता है ब्रांड। इसके आप एक बार पहले रिस्पांस देख लो, एप्पल कारप्ले का अगर जेड लिंक आपको स्टार्ट करना है तो यहां से आपका एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो दोनों इसके अंदर चलेगा, वर्किंग होगा। अभी कनेक्टिंग नहीं है इसके अंदर, हमने नहीं कर रखा है। बाकी आपको नेविगेशन वगैरह मिल जाता है, नेटफ्लिक्स वगैरह सब मिल जाता है, प्ले स्टोर वगैरह सब मिल जाता है, यूट्यूब वगैरह स्पॉटिफाई ये सब आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर देता है कंपनी। उसके बाद जो अगर आपको एक्स्ट्रा कुछ ऐप यहाँ पे डाउनलोड करने हैं तो आप वो भी कर सकते हो अपने हिसाब से। डीएसपी का माओ अपने म्यूजिक का सेटिंग आपको यहाँ से मिल जाएगा, म्यूजिक का सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हो अपना। ऑक्स के लिए आपको ये मिल जाएगा, ऑक्स की भी सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हो। हमने जो इसके अंदर लगाया सबसे पहले तो अपना फ्रंट एंड बैक कैमरा, फ्रंट भी कैमरा हमने लगाया है, जो कि अपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ आती है। तो इसकी भी रिस्पॉन्स आप देखो और देख के बताओ मुझे कैसा लगा। ये अपने कुछ फ्रंट का रिस्पॉन्स है, ये आपका कुछ फ्रंट का रिस्पॉन्स है, जो कि आपको मेगा से 360 आपको पूरा दिखा रहा है। ये अपने बैक साइड का रिस्पॉन्स है। रिस्पॉन्स आपको कैसा लगा जरूर मुझे बताना। ये रिस्पॉन्स फ्रंट एंड बैक कैमरे का कोई अभी नहीं चालू करके दिया हुआ, डिजायर के अंदर हम लोग ने ये चीज़ चालू कर दिया है यहाँ पे। और उसके बाद जो हम लोग ने इसके अंदर साउंड का सिस्टम का काम किया है, तो एक बार मैं आपको बाहर चल के पहले इसका सिस्टम चेक करवाऊँ कि सिस्टम में हम लोग ने क्या किया है। इसके अंदर हम लोग आ गए पीछे की तरफ, गाड़ी अपनी अनलॉक है यहाँ पे, मैं दिखाऊँ तो इसके अंदर हम लोग लगा दिया डिग्गी ओपनर, जो कि स्विचेस सारे चेंज होते हैं यहाँ पे, जैसे कि आप देख लो सारे स्विचेस चेंज होते हैं। उसके बाद ये अपने डिग्गी ओपनर के यहाँ पे पूरी मशीन चेंज होती है, वायरिंग इसकी पूरी चेंज होती है, जो कि MGP की जेन्युइन होती है ये भी। फिर यहाँ पे हम लोगों ने डबल लेयर डैम्पिंग कंप्लीट किया, जो कि अपनी डिग्गी से लेके चारों डोर तक है। डैम्पिंग की एक बार पहले आप साउंड सुन लो कि डैम्पिंग से आपको बेनिफिट क्या मिलता है, इसकी साउंड देख लो आप और इसकी साउंड देख लो आप, इसमें आपको जमीन आसमान का फर्क दिख जाता है। ऊपर से प्लस आपकी गाड़ी भी साउंड प्रूफ हो जाती है, जैसे कि हम लोग अभी दरवाजा में लगा रहा हूँ ना, तो आपको साउंड में यहाँ पे फर्क कुछ पता लग रहा होगा, ये चीज़ की आपको इसके अंदर बेनिफिट पता लग जाती है। तो ये डैम्पिंग मैं आपको रेफरेंस करूँगा कि आप डैम्पिंग जरूर अपने गाड़ी में करवाएं। उसके बाद भैया की गाड़ी में सीएनजी है, फिर भी हमने यहाँ पे बूफर लगा दिया, जो कि अपनी सोनी 1800 वॉट रहता है। तो ये बस बूफर की भी सेटिंग देखेंगे कि बूफर अपनी कैसी रहती है और साउंड कैसा अपने को निकाल के दे रही है। हमने नीचे लगाया एम्प, जो कि अपनी 6400 वॉट रहती है, एम्पलीफायर 4 चैनल वाली। उसके बाद हमने यहाँ पे लगा दिया अपना बूफर, जो कि इसकी भी 1 साल की गारंटी रहती है। अपनी सोनी 1800 वॉट है, ये सीएनजी के अंदर हमने फिट किया है। अब चलते हैं हम लोग गाड़ी के अंदर, इसका एक बार साउंड देखते हैं कि साउंड में हमने क्या काम किया और साउंड इसका कैसा निकल के आ रहा है। अंदर आ गए हैं, अपनी वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी चीज़ मैं आपको दिखा दूँ, इस पर किसी का नज़र नहीं जाता। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं तो इसके अंदर हम लोगों ने गियर नोब चेंज कर दिया, जो कि गियर नोब आपके गाड़ी के अंदर बेस मॉडल में कुछ अलग टाइप का आता है, ब्लैक टाइप का होता है पूरा, तो इसके अंदर ऐसी क्रोम ना ग्लोसी ऐसा कुछ नहीं होता। तो इसके अंदर हमने गियर नोब भी चेंज कर दिया, जो कि अपनी टॉप एंड ब्रांड की रहती है। फिर इसके अंदर हमने लगा दिया भैया के यहाँ पे गियर लॉक, जो कि ये भी हम लोग यहाँ पे इंस्टॉल कर चुके हैं। फिर यहाँ पे हम लोग ने लगा दिया आर्मरेस्ट, जो कि स्लाइडिंग वाली रहती है, इजीली आपको यहाँ पे स्पेस थोड़ा सा मिल जाएगा, इसको आप स्लाइड करके अपने हाथ के एडजस्टिंग के हिसाब से आप इसको रख सकते हो जितनी आपके हाथ की सेप है यहाँ पे। और यहाँ पे आपको ग्लास होल्डर पीछे मिल जाता है, जो आपकी बेनिफिट इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, इतनी हार्ड होती है कि जल्दी टूटती नहीं आपके हैंड से। यहाँ पे आपका हैंड ब्रेक भी इजीली काम करेगा, सब चीज़ आपका वर्किंग में यहाँ पे रहेगा।
फिर उसके बाद हम लोग ने इसके अंदर जो काम किया है अपने साउंड के अंदर, तो साउंड एक बार मैं चला के आपको सुनाता हूँ और साउंड मुझे आप बताना कि आपको कैसा लगा। आपको मैं दिखाऊँ अभी अपना, मैंने ब्लूटूथ यहाँ पे कनेक्ट किया और सीधा हमें हमारे एंड्रॉइड ने एप्पल कारप्ले पे छोड़ दिया, जो कि अभी मेरा फ़ोन है यहाँ पे एप्पल। यहाँ पे आपको देखे यहाँ हमारा फ़ोन हो चुका है एप्पल कारप्ले में कन्वर्ट, जो कि इसके अंदर ये फीचर्स मैं दिखा दूँ आपको, इसके अंदर ये कुछ फीचर्स मिल जाते हैं, नेविगेशन वगैरह आपको यहाँ पे मिल जाएगा, अभी मेरा लोकेशन यहाँ का दिखाएगा। उसके बाद जाके आपको फ़ोन के यहाँ पे पूरी डिटेल यहाँ पे मिल जाती है, कॉलिंग हिस्ट्री वगैरह सब मिल जाती है। उसके बाद ये आपको फ़ोन नंबर से यहाँ पे कुछ मिल जाते हैं, ये सारे आपको फ़ोन का हो गया। बाकी आपको जो स्पॉटिफाई वगैरह, टेलीग्राम, व्हाट्सअप वगैरह जो आपको नॉर्मल यूजेस होती है वो सब आप यहाँ पे यूज़ कर पाओगे। ये अपना कुछ एप्पल कारप्ले खुल गया। उसके बाद हम लोग को है होम पेज पर आना, तो होम पेज पर हम इजीली यहाँ से आ सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग को गाना मैं आपको एक बार चला के सुनाता हूँ और गाना मुझे आप बताना कि इसका साउंड कैसा लगा आपको। यहाँ पे हो चुका है हमारा सिस्टम यहाँ पे चालू, तो एक बार मैं आपको दिखाऊं। तो इसके अंदर हम जो हम लोग ने लगाया है अवतार के कंपोनेंट के सेटअप, जो कि फ्रंट में अपने लगते हैं कंपोनेंट, पीछे की तरफ लगते हैं क्वैक्सल, जो कि कंपोनेंट में अपने दो ट्विटर, दो हैवी स्पीकर, दो हाई लो कन्वर्टर और पीछे की तरफ अपने ट्विटर इनबिल्ट स्पीकर आते हैं। तो ये कुछ अपना कंपोनेंट क्वैक्सल का सेटअप रहता है। उसके बाद एक बार इसका साउंड चला के सुनते हैं कि अपना साउंड यहाँ पे कैसे ही निकाल के दे रहे हैं हम लोग को। एक बार साउंड चलाता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। भाई साहब साउंड में तो एक नंबर था। पीछे का बेस ट्यूब भी एक बार चेक करते कि बेस ट्यूब का यहाँ पे कैसा बूफर का यहाँ पे एकदम निकल के आ रहा है, कैसा बूफर में काम हुआ है यहाँ पे। एक बार चलते हैं पीछे की तरफ, पीछे की तरफ भी चेक करते हैं। अब आते हैं इसके सीट कवर पे, जो कि हम लोग ने किया अल्ट्रा कंफर्ट में, जो कि इसकी कंफर्ट लेवल है ना उसको हमने नेक्स्ट में नेक्स्ट इंक्रीज कर दिया है। इसके सीट कवर की फिटिंग फिनिशिंग देखो, 5 ईयर्स की वारंटी के साथ आती है ये चीज। इसकी एकदम कंट्रास्ट देखो कि आपको कंट्रास्ट कैसी लगी इसकी, पहले तो ये बताऊँ ये डिज़ाइन का आपको कंट्रास्ट कैसा लगा। थोड़ा सा सामने से मैं दिखाऊँ आपको, तो कुछ अपनी गाड़ी की ये आती है डिज़ाइन की कंट्रास्ट। यहाँ पे इसकी लुक वाइज आप देखो नोटिस कर सकते हो, यहाँ पे आप देख के जरूर बताना मुझे ये आपको गाड़ी का कंट्रास्ट कैसा लगा। ये अपने अल्ट्रा कंफर्ट वाली सीट कवर कहीं पे भी जाते हो आप तो ये चीज़ देखो आप। इसकी कुशनिंग देखो, कुशनिंग इसकी कितनी की गई है, कितनी नेक्स्ट लेवल इसकी कुशनिंग की गई है, ये देखो इसकी कुशनिंग की, जिससे आप जाओ कहीं पे भी तो आपको रिलैक्स फील करवाए पूरे, और किसी भी लॉन्ग ड्राइव पे कितने भी किलोमीटर आप छान दो तो आपको कहीं से भी थकावट महसूस नहीं होनी चाहिए। ये इस चीज़ में, इस पर्पज़ के लिए सीट कवर यहाँ पे बने हैं, जो कि अपने कस्टमाइज लेवल में यहाँ पे रेडी हुए हैं। सीट कवर की फिटिंग फिनिशिंग आप देखो, बैक साइड में भी दिखाता हूँ, बैक साइड की भी कुशनिंग आप चेक करो, हर किसी की कुशनिंग यहाँ पे प्रॉपर रखी गई है, फिटमेंट प्रॉपर रखी गई है, हर चीज़ को प्रॉपर तरीके से देखा गया। स्टिचिंग हो, चाहे अपनी कॉम्बिनेशन हो, चाहे अपनी स्टिचिंग की कोई भी बात करो आप, चाहे अपनी कुशनिंग की कोई भी बात करो आप, हर चीज़ को हम लोगों ने प्रॉपर तरीके से ध्यान दिया इसके डिज़ाइन को तैयार करने में। बैक साइड ले लो चाहे फ्रंट साइड ले लो, सब जगह से एक्वल आ रहा है यहाँ पे। और ये चीज़ जो है ये अपने नेक्स्ट लेवल कुछ गाड़ी के इंटीरियर कंट्रास्ट को तब्दील करता है, जो कि गाड़ी की वैसे जो इंटीरियर आती है वो अपनी आती है बेज कलर की, देखो आप बेज कलर की आती है, उसी में हमने कुछ इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया जो आपको देखने में भी लुक वाइज इसकी अच्छी लगे, बैठो तो फील भी अच्छी है, कहीं पे भी लॉन्ग ड्राइव पे आप अपनी फैमिली के साथ जाते हो तो थको ना। इस चीज़ को हमने ध्यान देते हुए इस गाड़ी का इंटीरियर तैयार किया, जो कि पीछे से लेके आगे तक मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। तो ये आप पूरा इंटीरियर इसका चेक कर सकते हो, जो कि हम लोगों ने कुछ नेक्स्ट लेवल चीज में इसको तब्दील किया और अलग ही लेवल पे इसको ले गए हैं। उसके बाद जो भैया को हमने दो कुशनिंग दी है यहाँ पे, वो हमारे तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री है, इसकी कोई भी चार्जेस नहीं लिए हम लोग ने और ना इसकी पेपर में कुछ भी लिखा पड़ा है। प्लस यहाँ पे हम लोगों ने जो भैया परफ्यूम वगैरह और भी जो आइटम्स भैया को यहाँ पे गिफ्ट किए हैं हम लोग ने, वो सब हमारे कॉम्प्लीमेंट्री रहते हैं यहाँ पे, उन सब आइटम के हम लोग कोई भी पेपर पे नोट वगैरह नहीं करते इस चीज़ को लेके।